हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट मंत्रा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 60 डेज रिवीजन प्लान फॉर केमिस्ट्री। अगर आप इस रिवीजन प्लान को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक ही कंडीशन है कि जो हमारे पास अब 60 to 65 डेज बचे हुए हैं, इनमें हमें अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और हमें काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं ताकि हम हमारे एग्ज़ाम के समय कॉन्फिडेंट रह सकें। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को। फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज है वो 15 क्वेश्चन का होता है नीट में, जैसे कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों का ही 15 क्वेश्चन का वेटेज होता है। इसमें प्लस माइनस 1 हो सकता है, लेकिन अराउंड वेटेज 15 क्वेश्चन का ही रहता है। तो 11 जुलाई को हम रिवाइज करेंगे मोल कंसेप्ट और इसका वेटेज होता है वो होता है 1 क्वेश्चन का। 12 जुलाई को हम रिवाइज करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका वेटेज होता है 1 क्वेश्चन का। 13 और 14 जुलाई को हम रिवाइज करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, और इसका वेटेज केमिस्ट्री में है 2 से 3 क्वेश्चंस का। 15 जुलाई को हमने जो ये 3 चैप्टर पढ़े हैं, मोल कंसेप्ट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोडायनेमिक्स, इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 15 जुलाई को। 16 जुलाई को हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, इसका वेटेज है नीट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन। 17 जुलाई को हम रिवाइज करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का वेटेज है नीट एग्जाम में 1 क्वेश्चन का। उसके बाद 18 जुलाई को हम रिवाइज करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स से 1 और 2 क्वेश्चंस नीट एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और 19 जुलाई को हम आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 20 जुलाई को हम रिवाइज करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेटेज 1 to 2 क्वेश्चंस होता है नीट एग्जाम में। 21 जुलाई को हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 22 जुलाई को हम सॉलिड स्टेट रिवाइज करेंगे, सॉलिड स्टेट का वेटेज भी है 1 से 2 क्वेश्चन नीट एग्जाम में। 23 जुलाई को हम कुछ शॉर्ट टॉपिक्स रिवाइज करने वाले हैं, जिनमें है रेडॉक्स रिएक्शन, सरफेस केमिस्ट्री एंड स्टेट ऑफ मैटर। इन तीनों चैप्टर से मिलाकर अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 24 जुलाई को हम ये चैप्टर्स हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 25 और 26 जुलाई को हमें क्या करना है कि हमारी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम वो सारे प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम रिवाइज करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज भी भाई 15 क्वेश्चन का है नीट एग्जाम में। 27 जुलाई को हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का वेटेज है वो है 1 क्वेश्चन का। उसके बाद 28 जुलाई को हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 30 जुलाई को हम पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त को हम SPDA ब्लॉक्स और हाइड्रोजन रिवाइज करेंगे, और इन 4-5 चैप्टर का वेटेज है वो है 5 से 6 क्वेश्चन नीट एग्जाम में। 3 अगस्त को हम इन चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 4 और 5 अगस्त को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेटेज 3 से 4 क्वेश्चन होता है नीट एग्जाम में। 6 अगस्त को मेटलर्जी पढ़ेंगे, मेटलर्जी का वेटेज है 1 क्वेश्चन नीट एग्जाम में। 7 अगस्त को हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इनको हम NCERT से पढ़ सकते हैं और इनका वेटेज अराउंड 1-1 क्वेश्चन ही नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कम्प्लीटली बेस्ड होते हैं NCERT पर। उसके बाद 8 अगस्त को हम जो हमारे चैप्टर हैं इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब देखो, हमने यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, तो 9 और 10 अगस्त को हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सारे हम सोल्व करने वाले हैं। 2 दिन में हम सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिर हम अब आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अभी 15 क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम 11 अगस्त को हम रिवाइज करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, दोनों से ही 1-1 क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाता है। उसके बाद 12 अगस्त को हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म का जो वेटेज है वो है 2 to 3 क्वेश्चन। उसके बाद 13 अगस्त को हम IUPAC नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 14 अगस्त को हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स का जो वेटेज है वो नीट एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चन का है। हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं वो हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हैलोजन डेरिवेटिव्स। और 15 अगस्त को, जो कि हमारा उस दिन स्वतंत्रता दिवस भी है, उस दिन हम NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके कितने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे इसके। उसके बाद 16 और 17 अगस्त को हम नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स को पढ़ेंगे और इसका जो वेटेज है वो नीट एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चन का है। उसके बाद हम 18 अगस्त को इसी पर बेस्ड
अमीन्स, एनिलीन, नाइट्रो कंपाउंड्स और साइनाइड पर बेस्ड 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 19 और 20 अगस्त को हम ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं। इसमें चैप्टर इंक्लूड होते हैं एल्कोहल, ईथर, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, बेंजल्डिहाइड, एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स प्लस बेंजोइक एसिड। और इनका जो वेटेज है वो नीट एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन का है और 21 अगस्त को हम इन्हीं सारे चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 22 अगस्त को हम बायोमोलिक्यूल पढ़ने वाले हैं और 23 अगस्त को हम पॉलीमर्स पढ़ने वाले हैं और इस पर जो हम पूरा फोकस करेंगे वो एनसीईआरटी पर ही करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकली होंगे इनसे और ये पूरे एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होते हैं। तो हमारी यहाँ पर अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है तो हम 24 से 26 अगस्त तक जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे हम सोल्व करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास अब 15 दिन बचे हैं हमारे मेन एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा जो मेन एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर को है तो हमारे पास 15 दिन बचे हैं तो 27 अगस्त से 31 अगस्त तक मतलब कि 5 दिन हमें जितनी भी पूरी एनसीईआरटीएस का क्यूक रिवीजन करना है। इसमें हमें सारे इसके फॉर्मूलाज देखने हैं, सारे एक्सेप्शंस देखने हैं और फिर 1 सितंबर से 10 सितंबर तक हमें रोज़ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ये 10 दिन हमें रोज़ एक एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। उसका टाइम हमें उसी टाइम रखना है जिस टाइम हमारा 13 सितंबर को हमारा नीट का एग्ज़ाम है, वो है 2 से 5 बजे के बीच में। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम गाइज। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बना पाएँ। थैंक यू वेरी मच।